क्या आपको पता है कि मूर्ख का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधिक उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको मूर्ख के स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बड़ी ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अधिक समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि दोस्तों, जिस किसी शब्द के रूप से यह जान लिया जाता है कि यह व्यक्ति या वस्तु स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। और वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है, और वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि मूर्ख का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, अगर मूर्ख की स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो वह मूर्खा होगा। यानी दोस्तों, एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि मूर्ख का स्त्रीलिंग शब्द मूर्खा होता है, और यहां पर मूर्ख एक पुल्लिंग शब्द होता है और वहीं पर मूर्खा एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि मूर्ख एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है बेवकूफ या अनजान। यह शब्द उस व्यक्ति को विशेष करके कहा जाता है जो कि बहुत ही अज्ञानी, बेवकूफ, बुद्धिहीन या बहुत अविवेकी होता है, उसे मूर्ख कहते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह का कोई व्यक्ति जो पुरुष है तो उसे ही मूर्ख कहा जाएगा, अगर वहीं पर महिला होगी तो उसे मूर्खा कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि मूर्ख का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, अगर मूर्ख के स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो वह मूर्खा होगा। यानी दोस्तों, एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि मूर्ख का स्त्रीलिंग शब्द मूर्खा होता है, और यहां पर मूर्ख एक पुल्लिंग शब्द होता है और वहीं पर मूर्खा एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, यानी दोस्तों आपको मूर्ख का स्त्रीलिंग शब्द वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।